我好了。再试一次，你真的没睡着？原来在多年前的那个夏天，夏小棠लिन शो फोटोशूट के लिए रेडी हो रही है। शालू इसकी हेल्प कर रही है। ये इसे कंपनी के सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है ताकि एज अ ब्रांड स्पोक्स पर्सन इसे कोई इशू फेस करना ना पड़े। शालू का दिल तो साफ है पर लिन शो का नहीं। ये शालू को कंपनी से ही बाहर निकालना चाहती है। इसने प्लान भी बना लिया। होता ये है कि लिन शो शालू पे नेकलेस चोरी करने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है और वो चुयान से बोलती है कि तुम इसे अभी के अभी फायर करो। चुयान भी लिन शो की साइड लेते हुए शालू से बोलता है कि तुम फिलहाल इसे सॉरी बोलो, ये फोटोशूट हमारी कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है। शालू इससे बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं क्यों इसे सॉरी बोलूँ, सॉरी तो इससे बोलना चाहिए, इसने मुझसे बदतमीजी की। लिन शो जिद पे अड़ी हुई है। जब तक शालू इसे सॉरी नहीं बोलेगी तब तक फोटोशूट नहीं करेगी। मामला तो सीरियस हो गया। लुहान भी आ गया। वो लिन शो से बोलता है कि ये नेकलेस तो मैंने शालू को दिया था, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो, अदरवाइज झूठा इल्जाम लगाने पे मैं तुम्हें सो करूंगा। तभी चुयान बोलने लगता है कि लुहान, ये लड़की हमारे कंपनी की ब्रांड स्पोक्स पर्सन बनने वाली है। हमने रिसेंटली न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, ज़रा सोचो, जज्बाती मत हो। लुहान जवाब देता है कि मुझे ऐसी झूठी लड़की नहीं चाहिए, ये स्पोक्स पर्सन बनने के लायक नहीं है। ये बात सुनते ही लिन शो के पसीने छूटने लग जाते हैं। इसका घटिया प्लान तो इसके गले पड़ गया। ये सॉरी बोल के भाग गई। चुयान का असली रूप भी शालू के सामने आ गया। ये एक्सपोज हो गया। चलो अच्छा हुआ, ये घोड़ा तो रेस से बाहर हो गया, अब कोई लव ट्रायंगल नहीं। शालू लुहान से बोलती है कि तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिलहाल हम गले मिल लेते हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम यहीं पे सो जाओ। उसके बाद होता ये है कि कंपनी का सीक्रेट फार्मूला कोई चुरा लेता है। एक एम्प्लॉई जिसका नाम शीशी है वो शालू पे इल्ज़ाम लगाती है और बोलती है कि ज़रूर तुमने फार्मूला राइवल कंपनी को सेल किया होगा। बेचारी शालू बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ज़रूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शीशी इसकी एक नहीं सुनती। ये गुस्सा हो के शालू पे कॉफ़ी फेंकती है। लुहान शालू को प्रोटेक्ट करते हुए खुद सामने आ जाता है। बोलने लगता है कि मुझे इस पे यकीन है, ये ऐसा काम कभी नहीं करेगी, मैं खुद इस मामले को देखूंगा, जल्द ही सच सामने आ जाएगा। इसके बोलने की देर थी कि सच सामने आ गया। चुयान ने ही सीक्रेट फार्मूला आंशी ग्रुप को सेल किया था। इसने जिस पर्सन को फार्मूला बेचा था उसने ही आके इसे एक्सपोज कर दिया। असलियत सबके सामने आ गई। चुयान का खेल हुआ ख़त्म। लुहान इसे अपनी कंपनी से फायर करता है। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। लुहान ने फिर से शालू को प्रोटेक्ट किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शालू ऑफिस जा रही होती है तो तभी इसकी नज़र एक ओल्ड मैन पे पड़ती है। इसे तो हेल्प की ज़रूरत है। शालू इसकी मदद करती है और इसे कुछ पैसे भी देती है। ओल्ड मैन शालू से उसके घर का एड्रेस और नंबर पूछता है ताकि ये उसे पे बैक कर सके। उसी रात जब शालू नींद से उठ के पानी पी रही होती है तो वही ओल्ड मैन इसके सामने आ जाता है। शालू चिल्ला देती है। लुहान भी नींद से उठ पड़ता है। अरे नहीं, ये तो लुहान के ग्रैंडपा निकले। वो लुहान से बोलते हैं कि छोकरे, तुम्हारी पसंद मुझे भी पसंद आई, तो इस लड़की से शादी कर ले, जल्दी से तुम इसके माँ बाप से मिलो, शादी की डेट फिक्स करो, ओके। लुहान को ग्रैंडपा की परमिशन मिल गई। अब इसे शालू के पेरेंट्स को मनाना होगा। तो देर किस बात की, कल करे वो आज कर, जो आज करे सो अभी कर। लुहान शालू को साथ लेकर निकल पड़ा। बस ये वहाँ पे सो ना जाए, बाकी सब ठीक है। दोनों ससुराल तो पहुँच गए। लुहान थोड़ा नर्वस दिखाई दे रहा है। शालू अपने मॉम डैड को बताती है कि ये उसका इकलौता बॉयफ्रेंड है। पेरेंट्स तो फिर पेरेंट्स ही होते हैं। मॉम डैड इससे सवाल पूछने लग गए। लुहान भी अपनी फुल तैयारी करके आया है। ये अपने सारे जायदाद के डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रख देता है ताकि मॉम डैड इम्प्रेस हों। शालू इससे बोलती है कि डार्लिंग, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। मॉम अपने हस्बैंड से बोलती है कि मुझे ये लड़का फ्रॉडी लगता है, हम इसे अपनी लड़की नहीं देंगे।
शाओलू बोलती है कि मॉम डैड ये लड़का बहुत अच्छा है, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भी लाया है। लुहान बोलने लगता है कि आंटी हमारी कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स काफ़ी फेमस हैं, आप ये यूज़ करें, हमेशा जवान रहेंगी। मैं आपके लिए साल भर का मेकअप का सामान ले आया हूँ, अब आपको बाजार जाके कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। मॉम बोलती है कि बेटा मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। लुहान बोलता है कि नहीं आंटी आप तो अभी भी यंग हैं, इनफैक्ट मैं तो ये समझ रहा था कि आप शाओलू की सिस्टर हो। ये बात सुनते ही मॉम मुस्कुरा देती है और बोलने लगती है कि बेटा तुम क्या खाना पसंद करोगे। वो बोलता है कि आंटी जी आप जो भी बना दो मैं सब कुछ खा लूँगा। शाओलू लुहान से बोलती है कि वेल डन लड़के, लगे रहो, मॉम डैड तो राजी हो गए। शाओलू खुश होके लुहान को रोमांटिक टच करती है। अरे नहीं, लुहान तो गलत टाइम पे सो पड़ा। डैड बोलने लगते हैं कि मुझे सोतू दामाद नहीं चाहिए, शाओलू तुम इसे यहाँ से ले जाओ। मामला तो बिगड़ गया। अब शाओलू के मॉम डैड तभी राजी होंगे जब लुहान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोनों प्रेमी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शाओलू कोशिश तो कर रही है कि लुहान ठीक हो जाए, पर ये ठीक ही तो नहीं हो रहा, रोमांटिक टच करते ही सो पड़ता है। शाओलू बोलती है कि अब हम क्या करें, वैसे तुम्हें अजीब सी बीमारी कैसे हुई बताओ तो सही। कहानी फ्लैशबैक में चली गई और हमें दिखाया जाता है कि बचपन में लुहान को उसकी मॉम छोड़ के चली गई थी, इसी वजह से वो बीमार पड़ गया और इंसोमिया का शिकार हो गया। मॉम के जाने के बाद लुहान काफ़ी सैड हो गया था। तब एक लड़की उसके पास आई और पूछने लगी कि ब्रदर तुम क्यों रो रहे हो। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शाओलू ही थी। बाद में ग्रैंडपा ने लुहान को पाला पोसा, उसे सीईओ बनाया। प्रेजेंट में लुहान बोलने लगता है कि जैसे बचपन में मैंने अपनी मॉम को खो दिया, अब वैसे ही मैं शाओलू को भी खो दूंगा। उसकी मॉम ने मुझे उससे दूर रहने को कहा है, अब मैं क्या करूँ। शाओलू वहीं पे आके बोलने लगती है कि लुहान मैं तुमसे प्यार करती हूँ, भले ही मेरे मॉम डैड तुम्हें एक्सेप्ट ना करें, पर तुम कहीं मत भागना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे वाह, शाओलू की दुआ तो कबूल हो गई, इनका प्यार सच्चा था तभी ये चमत्कार हुआ। लुहान ठीक हो गया, अब ये दोनों एक दूसरे को रोमांटिक टच कर सकते हैं। लुहान शाओलू को एंगेजमेंट रिंग पहनाता है, दोनों की लव स्टोरी हुई कंप्लीट। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।